वो बनाएंगे और उसमें हम पहले डालेंगे बॉइल पोटैटो जिसका हम पेस्ट बनाएंगे और फिर ये डो मेकर मशीन में ऐसे डाल देंगे। और अभी हम डालने जा रहे हैं मसाले। सर एक बार बताएंगे हम क्या दाल रेड चिली टर्मरिक सॉल्ट वगैरह हम डालते हैं। ऑनियन पकौड़ा बन रहा है तो साइज से बात है ऑनियन से वो डलेगा या देगा तो हम ऑनियन पकौड़े में ऑनियन फ्लेक्स डालते हैं तो फिर ऑयल डालना चाहते हैं। ये क्या है मैम वाटर है तो अभी दो मेकर में सब मसाले डाल दिए हमने तो अब मशीन स्टार्ट होगा और सब मसाले प्रॉपर से मिक्स करेंगे पहले 1 मिनट तक कि मसाला रेडी हो गया ऑनियन पकौड़ा का तो और हम डालेंगे इसमें गेहूं का आटा। अब इसमें कितना समय लगेगा मैम? अभी इसमें 10 मिनट लगेगा प्रॉपर आटा बनने में और हम मशीन चालू कर रहे हैं इधर से। तो अभी 4 मिनट हो रहा है क्वालिटी चेक वगैरह कंप्लीट हो चुका है। यस क्वालिटी चेक और इसका ये जो खाखरे वो ड्राई भी हो चुका है उसमें क्वालिटी चेक भी हो चुका है। तो अब ये खाखरे 20 ग्राम वेट होके आगे जा रहे हैं वैक्यूम होने वाला है। ओके तो अभी वेइंग करके वैक्यूम फाइल में भर लिया खाखरे उसका आगे जाके वैक्यूम होगा और वन ऑफ द रीज़न जो हम वैक्यूम कर रहे खाखरे उसका ये रीज़न है कि यहाँ वैक्यूम करने से इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ती है। जनरली हमारे खाखरे की सेल्फ लाइफ 4 मंथ्स की है और ये खाखरे वैक्यूम हो जाते तो ब्रेकेज इसका होता नहीं है और ये इजी टू कैरी है ऑल ओवर इंडिया में हम इसको कैरी कर सकते हैं। जनरली यहाँ वैक्यूम और सीलिंग दोनों पर एक साथ होती है और ये वैक्यूम होने से उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ती है। हो चुके हैं अब इसको लेबलिंग और स्टिकर लगे ये फाइनली पैकेजिंग के ऊपर है। तो देखिए ये सर हमारा ऑनियन पकौड़ा खाखरा रेडी हो चुका है और ऐसे हमारे स्तुति खाखरा में 100+ वैरायटी से खाखरे मिल रहे हैं और आपको अगर ये ट्राई करने हैं तो आप www.stutikhakra.com पर जाके आप पूरे इंडिया में घर बैठे हमारी वेबसाइट पर से मंगवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके मैम थैंक यू सो मच।